वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं विक्की धालीवाल एज ए ओनर ऑफ खुशी इंटरप्राइजेस निहाल सिंह वाला गांव डिस्ट्रिक्ट मोगा स्टेट पंजाब। जैसे कि जो मेरे साथ पहले जुड़े हुए हैं वो तो जानते हैं कि पिछले 17-18 सालों से मैं आपकी सेवा कर रहा हूं एज ए कंसल्टेंट। जो न्यू भी मेरे साथ सब्सक्राइबर जुड़ना चाहते हैं या जुड़ रहे हैं उनको बता दें कि डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में मैं अलग अलग कैटेगरीज में आपके लिए वर्क परमिट, टूरिस्ट, विजिटर, स्टडी, ये चीज़ें लाता रहता हूं जिससे आपको जितना ज़्यादा हो सके बेनिफिट हो सके और आप लीगली एक नंबर में कितने भी जा सको। कोशिश किया करो, जैसे मैंने पहले शुरुआत की थी, कि आप जहाँ भी जाते हो उस एजेंट के बारे में पूरा पता हो, उसके पास गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड लाइसेंस हो, उसकी सारी की सारी जो भी अथॉरिटी है वो गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त हो। कल वो आदमी भाग ना सके, कोशिश करो कि वो रेंट पे ना बैठा हो। अगर रेंट पे बैठा हो तो उसके मकान मालिक से उसका सारा पता हो, क्योंकि देखिए आपकी मेहनत की कमाई है। आप लाखों रुपए में देकर कितने फ्रॉड हो रहे हैं मोहाली, जलंधर, चंडीगढ़, दिल्ली, जो अपन डेली फेसबुक और न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। तो आज जो मैं आपके साथ कंट्री के बारे में बात कर रहा हूँ उस कंट्री का नाम है मलेशिया। पहले तो बता दूँ कि कोविड के बाद मलेशिया नहीं ओपन हुआ। मलेशिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे जिसको हम लोग कैनेडा कहते हैं, मिनी कैनेडा कह देते हैं गरीब आदमियों के लिए, क्योंकि यहाँ का मौसम, इतों का मौसम, इतने वधिया सैलरी है। 2000 तो लैके 2500 रिंगट आदमी, 3000 रिंगट, 3500 रिंगट मतलब 40000 से लेकर 60000 रुपया मिनिमम कमाता है। और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर मौसम है वो बहुत बढ़िया है, 35 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर नहीं जाता, इसलिए इसको एक मिनी कनाडा का रूप दिया जाता है। आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो ओपन वर्क परमिट है। अभी बड़ी मुश्किल से ये किसी एम्प्लॉयर के पास इसकी, मतलब जो मैन पावर की जो दी होती है इमिग्रेशन ने, कि आप कोटा सिस्टम बोलते हैं इसको, तो वो किसी के पास ही है वहाँ पे जो कंपनी ओनर है, तो वही हमें कुछ मलेशिया का ओपन वर्क परमिट का, हमारे पास कुछ 10 बच्चों की डिमांड आई है। इसमें आपको क्या बेनिफिट है कि आपको आउटसोर्सिंग का वीज़ा मिलेगा, आप वहाँ जाओगे, आप वहाँ काम करोगे, तो आप कहीं भी काम कर सकते हैं। आपका एम्प्लॉयर आपकी जिम्मेवारी लेता है, लेकिन वो आप कहीं भी काम कर सकते हैं जहाँ आपको ज़्यादा सैलरी मिलती है। आप रेस्टोरेंटों में, मॉल्स में, फैक्ट्रीज़ में, कहीं भी काम कर सकते हैं। तो इसकी सैलरी मैंने आपको बता दी, 2000 से नियर अबाउट शुरू होके 3000 रिंगट तक होती है। तो आपको पहले क्या है कि एक गमका जिसको बोलते हैं कि अल खलीज दिल्ली में बना हुआ, उसको गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया ने मान्यता दे रखी है मेडिकल के लिए। आपने वहाँ जाना है, वहाँ से आपको एक कंपनी का नाम दिया जाएगा, उस कंपनी का नाम वो मांगेंगे, वो आपने उस फॉर्म में भरना है, तो आपका मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद आपका ऑनलाइन फिंगरप्रिंट, बायोमेट्रिक भी वहीं होंगे। ये सब क्लियर होने के बाद आप वहाँ से एक रिपोर्ट लेके आएंगे, जो ऑनलाइन रिपोर्ट, उसमें एक कोड बार कोड होता है, वो मलेशिया भेजा जाएगा, तो वहाँ से फिर आपका परमिट इशू होगा। वहाँ से कॉलिंग निकलेगी, कॉलिंग के बाद, कॉलिंग एक पेपर होता है जिसमें आपकी अप्रूवल होती है गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया से, तो उसके बाद वो कॉलिंग पेपर के साथ आपके डॉक्यूमेंट फिर द्वारा हम लोग मलेशिया अम्बेसी जो दिल्ली या चेन्नई में कहीं पर भी जहाँ पर उस पर लिख के आएगा उसके अंदर हम आपका अप्लाई करेंगे। उसके लिए आपको मेनली आपकी फ़ोटो चाहिए, वही 35x25 वाली, तो प्लस वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, और इसके साथ आपका जो पासपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट है, और 10th 12th का कोई भी सर्टिफिकेट है। अगर आप ECNR हो, मतलब इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड की स्टैंपिंग की ज़रूरत है, तो उसका आपको अलग से खर्चा उठाना पड़ेगा।
नहीं तो ज़रूरत नहीं है अगर आप 10th 12th पढ़े हो रही से। तो इसके लिए ये प्रोसीजर ही हमें चाहिए। तो जो भी बच्चा अप्लाई करना चाहता है वो अपना खुशी इंटरप्राइजेज निहाल सिंह वाला मोगा के अपना आके हमसे बातचीत कर सकता है, एज ए कंसल्टेंट हमारे से आप राय ले सकते हैं। तो जिहड़ा भी बंदा चाहता है कि आवां और जाना चाहता है मलेशिया, तो लीगली वे दे नाल नोट इन टूरिस्ट टूरिस्ट ते जाके तुहानू उत्थे घाटा ही घाटा है, क्योंकि टूरिस्ट नू पहली गल तां एंट्री बहुत ही मुश्किल नाल मिलती है। तो आप जाओ तो सिर्फ लीगली जाओ, हरेक मैं देखो आप तो जितनी भी कंट्रियाँ आपको बताई हैं सब लीगली वे है। ठीक है कभी कभी गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ बदलती रहती हैं तो हम लोग थोड़ा पंगे में पड़ जाते हैं। सेकेंडली बात सबसे बहुत ज़रूरी, दारू पीने वाले, गलत काम करने वाले, गलत सोच के जाने वाले प्लीज़ मेरे पास मत आए। मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दारू पीने वाले, काम ना करने वाले, गलत सोच रखने वाले वो मेरे पास मत आए, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे पास जो बच्चा आए और जाए, मेरे साथ बीच में कुछ पॉलिसी चेंज हो गई थी तो अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी कोई यूरोप कंट्रीज़ की, तो हमने उनके हर एक डॉक्यूमेंट और उनकी पेमेंट वापस कर दी जो उनकी हमने ली थी। अगर कुछ रह भी गया है तो वो भी हम बाय स्टेप वापस करवा रहे हैं। तो कभी कभी ये प्रॉब्लम अम्बेसी क्रिएट करती हैं अपॉइंटमेंट के तौर पे, नहीं तो हमारी तरफ से आपको पेपर आ चुके होते हैं, हम वहाँ से क्लियर करा चुके हैं। तो प्लीज़ वही जाएँ जो मेहनत करके अपने बच्चों का, अपने मम्मी डैडी का और ख़ुद का फ्यूचर बनाना चाहते हैं। दूसरे मेरे पास मत आएँ। थैंक यू, वेलकम।